अरे वही चिंटू के बच्चे, तूने वापस से मुझे मार दिया। रुक जा, अभी तुझे दिखाता हूँ फ्री फायर का बादशाह कौन है। अब तुझे दिखाता हूँ कितना बढ़िया वाला हेडशॉट मारकर। अरे नहीं नहीं सिंचा, तू नहीं मार पाएगा। अच्छा ऐसी बात है, रुक यार अभी तुम दोनों को हराता हूँ। एक दो तीन, ये ले चिंटू ये मारा हेडशॉट। अरे तीन चाल ये क्या, तूने तो एकदम खतरनाक वाला हेडशॉट मार दिया यार मुझे। तुझे पता है मैं यार बहुत सालों से फ्री फायर खेल रहा हूँ, फिर भी यार इतना बढ़िया नहीं खेल पाता तेली तला। अरे हाँ यार वो तो मुझे पता है, तुझे पता है मैंने यार बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस गेम को मास्टर करने में। अब यार देख रहा है मैं प्रो बन गया इस गेम के अंदर। अरे नहीं नहीं तीन चाल, अब तू देख भाई, तब मैं तुझे हलाता हूँ। ये देख आया आया, अरे ये क्या चिंता, तूने तो वापिस मुझे मार दिया। अरे हाँ यार चिंटू बता, मुझे पता ही था कि मैं यार सबसे ज्यादा प्रो हूँ, मुझे यार कोई नहीं मार सकता। और यार ये ले अभी मैं फिनिश करता हूँ गेम। ये दिया वापिस से आखिरी बार हेडशॉट। अरे चिंता ये क्या यार, वापिस से तूने मुझे हला दिया। अरे वो तो मुझे पता ही था यार। अब यार तुम लोग खेलते बैठो यार, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ चिंता, अगली बार यार तेरे साथ मैं जब खत्म लूम खेलूंगा, तब तू देखना भाई, तब मैं ही तुझे हलाऊंगा। अरे हाँ जा यार, तू जो चाहे वो कर ले, जीतूंगा तो मैं ही। अरे हाँ चिंता वो तो देखेंगे। चले यार ये चिंटू का बच्चा तो हर बार मुझसे हारता है फ्री फायर में, इस बार बोल रहा है कि प्रैक्टिस करेगा। छोड़ यार मुझे क्या ही करना है, मैं तो चलता बड़ा अच्छा फ्रैंकली भैया के पास। और यार जाकर कुछ खाने के लिए मांगता हूँ यार, बहुत जोरों से भूख लगी मुझे। एक सेकंड यार, ये फ्रैंकली भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो यार जाकर पूछ ले तो, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो फ्रैंकली भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई सिंचन, ये मेरी कार को देख भाई क्या हो गया। सुबह से भाई मैं इसको स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ भाई, इसके अंदर से धुआं आते जा रहा है। क्या धुआं रहा है? मुझे लगता है आपकी कार खराब हो गई है। अबे ऐसे कैसे खराब हो गई भाई, तुझे पता है ना पिछले महीने खरीदी थी मैंने इस कार को। अरे हाँ यार फ्रैंकली भैया वो तो मुझे पता है, मुझे लगता है यार चूहों ने आपकी गाड़ी की वायरें काट दी होगी। अबे हाँ भाई सिंचन लगता तो ऐसा ही है भाई साहब, हर बार मैं अपने गैराज में कार को पार्क कर देता, फिर भी भाई ये कार हर बार भाई खराब हो जाती है। अरे हाँ फ्रैंकली भी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो बोलता हूँ किसी मैकेनिक को लेके आते, वो यार इस कार को फटाफट से ठीक कर देगा। अरे नहीं भाई सिंचन, मैं सुबह से ट्राई कर रहा भाई, मुझे मिल नहीं रही भाई साहब जो वायर कट गई है, पता नहीं भाई क्या हो गया इस कार के अंदर। अरे रुको रुको फ्रैंकली भाई, ये देखो इस कार के इंजन में से धुआं आ रहा है। रुक जा भाई देखता हूँ एक सेकंड। हाँ भाई सिंचन तूने बात तो सही की यार, बट भाई इंजन के अंदर से क्यों धुआं आ रहा है भाई साहब, मैंने तो इस कार को चलाया भी नहीं था। बस भाई मैंने जब सुबह कार को स्टार्ट किया उसके बाद से भाई लिटरली धुआं आ रहा है यार कार के अंदर से। अरे यार फ्रैंकली भैया मुझे लगता है ये कार खराब हो गई, अब चलो एक काम करते वापस से जाकर एक नई वाली बढ़िया कार लेकर आता है। अबे पागल है क्या भाई सिंचन, तुझे पता है ये कार कितनी ज्यादा महंगी है? अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर एक कार खराब हो गई तो नई कार लेने में देरी क्यों करनी। चलो चलो चलते बड़ा से साइमन अंकल के शोरूम पे, और यार जाकर एक मस्त वाली कार खरीद के लाता है। अबे नहीं भाई सिंचन नई वाली कार का भाई, मैं काम करता भाई थोड़ी देर में जाकर भाई एक बढ़िया से मैकेनिक को लेके आता हूँ और भाई परमानेंटली इस कार को ठीक करवा दूंगा। अरे पर यार फ्रैंकली भैया चलो ना नई कार ले लेंगे, वैसे भी यार ये कार अभी पुरानी होगी एक महीने के बाद। अबे पागल है क्या भाई, एक महीने के बाद कौन सी कार पुरानी होती। अरे यार क्या फ्रैंकली भैया तुम भी, छोड़ो वो सब छोड़ो फ्रैंकली भैया, एक काम करो फटाफट से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो यार, मैं सुबह से थक गया यार फ्री फायर खेल के। फ्री फायर खेल के भाई, तू मेरा फोन लेके गया था क्या? अरे हाँ फ्रैंकली भैया मैं तो गया था चिंटू के घर पे फ्री फायर खेलने के लिए, वहाँ पर यार आज तो बहुत ज्यादा मजा आया। और यार आपको पता आज यार मैंने फिर से चिंटू को तीन बार हरा दिया कस्टम रूम में। अरे वाह भाई सिंचन तू तो सही खेल रहा यार। चल भाई सिंचन एक काम करता हूँ, पहले तो इस कार को ठीक कर देता, फिर भाई हम लोग चलेंगे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। क्या सच में? बिल्कुल भाई सिंचन, आज तो भाई मेरा भी मन कर रहा है भाई बाहर कुछ खाने के लिए जाने का। हाँ तो चले यार चलते बड़ा अच्छा। हाँ भाई सिंचन रुक जा, पहले मुझे देखना तो यार इस कार को क्या हो गया। मुझे अभी किसी भी हालत में इस डायमंड को छुपाना होगा, नहीं तो अगर लॉस गैंग वालों ने आज मुझे पकड़ लिया तो यार ये मेरा पूरा का पूरा 1000 करोड़ का डायमंड यार चला जाएगा उनके हाथों में, ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता यार। पर अभी मैं इस डायमंड को कहाँ पर छुपाऊँ यार, और यार वो लोग तो अभी मेरे पीछे ही पड़े हुए, क्या करूँ कहाँ पर छुपाऊँ इसको यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। अरे एक सेकंड भाई साहब, फ्रैंकली भैया पीछे देखो पीछे। अरे क्या हो गया भाई सिंचन पीछे? अरे देखो तो सही फ्रैंकली भैया, एक बार भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया। अबे क्या एक्सीडेंट हो गया हमारे घर के सामने, कब से एक्सीडेंट होने लग गए? अरे यार तुम एक बार देखो तो सही, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे यार बोल भाई सिंचन क्या हो गया, तू तो भाई मुझे काम ही नहीं करने देता यार। यार एक बार पीछे तो देखो कितना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। अबे कहां पर भाई, एक सेकंड। अबे ये क्या, यहां पर तो सच में एक्सीडेंट हो गया। अबे ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो रॉयल्स रॉयल्स है ना? अरे हां भाई ये तो रॉयल्स रॉयल्स है। और यार इस कार के पीछे ये क्या चमक रहा है भाई? अभी भाई ये तो कुछ डायमंड की तरह लग रहा है यार। और यार एक सेकंड भाई, कार के अंदर तो कोई तो है ना? अबे यार एक सेकंड भाई, ये क्या भाई साहब, ये इंसान तो बेहोश हो गया क्या? अरे नहीं नहीं फ्रैंकली भैया मुझे तो लगता है ये मर गया। अबे हाँ भाई सिंचन मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। अबे यार रुक जा भाई, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी होगी। रुको भाई पहले तो इनको कार से बाहर निकालता हूँ। अरे भाई अंकल आप बाहर आओ यार, फ्रैंकली भैया थोड़ा आराम से निकालो उनको। अरे भाई सिंचन इसमें क्या ही आराम से निकालना, रुक जा भाई पहले इस कार को यहाँ से निकालने दो भाई। यार फ्रैंकली भैया मुझे भी बैठने दो। अरे तो क्या पागल है क्या सिंचन, रुक जा यार उन अंकल के पास रुक जा। अरे यार फ्रैंकली भैया मुझे डर लग रहा है उनसे। आ जा भाई सिंचन, ये देख यार यहाँ पर ये अंकल भाई साहब कैसे पड़े यार। गाइस यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे घर के सामने कितना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। हेलो अंकल आप ठीक हो? यार फ्रैंकली भैया मैंने कहा ना ये मर गए। अरे नहीं भाई सिंचन ये जिंदा है यार, इनकी सांस अभी तक चल रही है। हेलो अंकल आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो अंकल। अरे यार गाइस मुझे लगता है बड़ा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ पर तो। भाई साहब पहली बार भाई मेरे घर के सामने इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया, मतलब यार इससे पहले कभी हुआ नहीं था। बट भाई मैं बातें क्या कर रहा हूँ यार, भाई मुझे तो लगता है मुझे इन अंकल को बचाना होगा। मुझे बचा लो मुझे,
मेरे डायमंड को बचा लो। क्या कहा, डायमंड को बचा लो? यार अंकल आप क्या बात कर रहे हो? अरे बच्चे बच्चे तुम कौन हो बच्चे? अरे अंकल आप ठीक तो ना? नहीं नहीं ना बच्चे, मेरे सर में बहुत जोरों से लग गई है बच्चे, मुझे हॉस्पिटल ले चलो बच्चे, प्लीज हॉस्पिटल ले चलो मुझे। उससे पहले मेरी कार कहाँ पर है? अरे अंकल आपकी कार तो मेरे घर के सामने खड़ी है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं 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 बच्चे, तुम एक काम करो, मेरे कार के अंदर जो डायमंड है उसको यार सीधा तुम्हारे घर के अंदर छुपा दो, नहीं तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे कैसी दिक्कत अंकल, आपके कार से कौन डायमंड लेके जाएगा? नहीं बच्चे तुम्हें नहीं पता, मेरे पीछे यार लॉस गैंग लगी हुई है, अगर उन लोगों को ये डायमंड मिल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। है लॉस गैंग क्यों पड़ गया आपके पीछे? अरे बच्चे मेरा डायमंड है ही उतना कीमती, प्लीज यार मैं इस डायमंड को बचाने के लिए अपने घर से भाग रहा था, प्लीज तुम मेरी मदद करो यार, इस डायमंड को अपने घर में छुपा दो फिर मुझे हॉस्पिटल में ले चलो। अच्छा ठीक है अंकल आप यहीं पर रुको यार, पता नहीं गाइस यार ये डायमंड कितना ज्यादा महंगा है। ये अंकल आप देख रहे हो भाई, खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे भाई, डायमंड की परवाह कर रहे हैं। और भाई इस डायमंड के अंदर से भाई ये कौन सी रोशनी निकल रही? अबे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक डायमंड यार। अबे छोड़ो भाई मुझे क्या ही करना है, पहले तो एक काम करता भाई फटाफट इस डायमंड को अपने घर के अंदर छुपाता हूँ। पर भाई कहाँ पर छुपाओ यार? अबे रुको भाई पहले एक जगह ढूंढता भाई जहाँ पर इस डायमंड को छुपा सकूँ। कहाँ पर भाई? अपने घर में तो भाई ऐसे कोई सेफ जगह है नहीं जहाँ पर भाई मैं इस डायमंड को छुपा सकता हूँ, पर भाई कहाँ पर जाऊँ? एक सेकंड कहाँ पर? अभी एक काम करता भाई यहाँ पर रख दूँ क्या डायमंड को? और भाई डायमंड को फिर किसी चीज से ढक दूंगा यहाँ पर। अबे हाँ भाई ये बढ़िया आइडिया लगता है, चलो गाइस एक काम करता फटाफट से भाई डायमंड लेके आता हूँ और फिर भाई डायमंड को छुपा देता हूँ यार यही कहीं पे, फिर भाई साहब उन अंकल को ले चलूंगा भाई हॉस्पिटल में। हाँ भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, पता नहीं भाई ये कितना ज्यादा कीमती डायमंड है। चलो गाइस फटाफट से अभी इस डायमंड को ले चलता हूँ अंदर और भाई छुपा देता हूँ। ओ भाई यार फाइनली भाई मैंने इस डायमंड को छुपा तो दिया। गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई मैंने डायमंड को उस पार छुपा दिया और भाई साहब इसके सामने भाई कितने सारे बॉक्सेस रख दिए यार, अब तो भाई किसी को पता ही नहीं चलेगा यार। पर भाई ये जो डायमंड की रोशनी ना भाई इसके वजह से भाई साहब थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है कि भाई इसके पीछे कुछ तो है जो कि भाई एकदम खतरनाक तरीके से चमक रहा है। रुको भाई मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूं फटाफट से। ये देखो गाइस यार मैंने यहाँ पर भाई ये बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए, उसके आगे भी भाई साहब थोड़े बहुत बॉक्सेस रख दिए, इसलिए गाइस यार इतना कुछ पता तो नहीं चल रहा। भाई साहब मेरे पास और कुछ होता ना भाई ऊपर रखने के लिए तो भाई साहब मैं ऊपर से भी ढक देता यार। बट छोड़ो भाई अभी इस डायमंड को, वैसे भी भाई हमारे घर के अंदर कहाँ चोरे होने वाले? पर भाई इन्होंने जो कहा कि भाई इनके पीछे लॉस गैंग वाले पड़े, ये तो भाई मुझे पता नहीं चला यार। लॉस गैंग वाले भाई कब से भाई लोगों के पीछे पड़ने लग गए यार डायमंड के लिए? अबे छोड़ो भाई मुझे क्या ही करना है। और भाई सिंचनी अंकल ठीक तो है ना? नहीं नहीं फ्रेंकली भाई ये तो वापिस से बेहोश हो गए। अबे क्या बात कर रहा है तू? अरे हाँ यार फ्रेंकली भाई ये तो वापिस से बेहोश हो गए यार। अबे यार भाई ये क्या दिक्कत है फ्रेंकली भाई, आप एक काम करो फटाफट से इनको ले जाओ यार हॉस्पिटल, मुझे तो लगता है अभी ये सच में मर जाएंगे। अबे हाँ भाई सिंचनी तूने बात तो सही की यार, रुक जा भाई सिंचनी एक काम करता पहले तो एक गाड़ी ढूंढता जाने के लिए। नहीं नहीं फ्रेंकली भाई आप एक काम करो यार उन्हीं की गाड़ी लेकर जाओ। अबे छोड़ना भाई कहाँ उनकी कार लेके जाओ भाई, अगर वो बाद में उड़ गए तो भाई मुझे डांट देंगे। अरे हाँ फ्रेंकली भाई आपकी बात भी सही है, पर भाई कौन सी कार लेके जाओ भाई, यहाँ पर तो शर्मा जी की कार भी नहीं है यार। अबे रुको भाई एक काम करता किसी लोकल की उठाता हूँ। चलो भाई ये देखो मिल गई कार, अल्लाह सर आपकी कार दे दो यार मुझे फटाफट से। अबे ये तो कोई आंटी है, चलो आंटी आ जाओ बाहर। अरे अंकल आप भी उतर जाओ भाई मुझे इमरजेंसी में आपकी कार चाहिए। अबे भाई ये भी आंटी है यार, दोनों फ्रेंड्स भाई घूमने जा रहे थे। अबे छोड़ो भाई मुझे क्या ही करना है। अरे भाई सिंचन उनको फटाफट से रख दे भाई कार के ऊपर। अरे क्या छोटे बच्चे से काम करवाओगे तुम? अबे क्या भाई सिंचन तुम्हें एक छोटा काम नहीं कर पाता। रुको गाइस एक काम करता फटाफट से अंकल को उठाता हूं और अपने कार पे रखकर भाई चलते फटाफट से हॉस्पिटल भाई, ज्यादा लेट नहीं करते यार। अबे यार ये अंकल कितने ज्यादा भारी है भाई, ये कार के ऊपर आ ही नहीं रहे यार। फ्रेंकली भाई आप एक काम करो फटाफट से इनको लेके जाओ यार, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ भाई सिंचन मैं जा रहा हूं यार इनको ऐसे लेकर। तो गाइस यार अभी चलते भाई फटाफट से भाई हॉस्पिटल में और भाई अंकल को भाई एडमिट करते थे, पर यार फ्रेंकली भाई मैं यहाँ पर अकेला क्या करूंगा। अरे भाई सिंचन तू एक काम कर भाई, घर के अंदर भाई मैंने बेडरूम के भाई साइड वाले रूम में भाई वो डायमंड को छुपा कर रख दिया भाई, तू एक काम कर वहां पर जाकर रुक जा भाई डायमंड के पास, अगर भाई कोई आ गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं फ्रेंकली भाई मैं तो एक काम करूंगा चौक के पास रुकता हूँ, वैसे तो अंदर आते लोग। हाँ भाई वो भी बात सही है। अरे हाँ भाई सिंचन तू यही कर, जाकर भाई चौक के पास खड़ा हो जा। अच्छा ठीक है फ्रेंकली भाई मैं चलता हूँ अभी, तो चलो गाइस चलते फटाफट से अंकल को भाई हॉस्पिटल लेकर और भाई इनका इलाज करवा लेते यार, पता नहीं भाई अभी बच पाएंगे या फिर नहीं यार। पर भाई अगर ये नहीं बच पाए तो भाई वो डायमंड का मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई साहब ये है कौन यार। अबे यार ये क्या सुबह सुबह मुसीबत खड़ी हो गई, चलो मुझे तो यार अपनी कार को ठीक करना था, चलो वो भी रह गया और ये अलग काम ऊपर से पड़ गया मेरे ऊपर। चलो भाई अभी ये तो काम करना ही पड़ेगा, अगर भाई मैं इनकी मदद नहीं करता तो भाई साहब ऐसे पड़े पड़े मर जाते। चलो भाई अभी वो तो हॉस्पिटल में जाकर पता चलेगा कि भाई साहब ये अंकल को हो क्या गया है और भाई ये बच पाएंगे या फिर नहीं, भाई वो तो अभी वहीं पर जाकर पता चलेगा। बट यार गाइस उससे पहले आपको तो पता ही होगा कि भाई साहब मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देता हूं, तो गाइस यार अभी मैं वापस से आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देने वाला हूं। तो गाइस यार अपना पहला शाउट आउट जाता है अरमान खान भाई को, इनका बर्थडे आता है 3 मई को, तो गाइस यार इनका बर्थडे थोड़ा जल्दी आने वाला है, तो गाइस यार फटाफट से इनको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कमेंट में लिख देना। तो चलो यार गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है जिशन यादव भाई को, इनका बर्थडे आता है 6 दिसंबर को। एंड गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है निखिल कुमार भाई को, इन्होंने भाई साहब एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए थे। तो गाइस यार आपको भी हमारे वीडियो के अंदर ऐसा बढ़िया वाला शाउट आउट चाहिए तो गाइस यार एक काम करना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस फटाफट से कर देना और यार साथ ही साथ कमेंट के अंदर अपने मन में जो भी थॉट्स है वो लिख देना या फिर आपका नाम और उसके आगे आपकी बर्थडे फटाफट से लिख देना। तो चलो यार गाइस अभी ज्यादा वेट ना करते हुए चलते फटाफट से भाई हॉस्पिटल, लेट्स गो।
ये फ्रेंकली भी आया तो मुझे ऐसे घर पे अकेला छोड़ के चले गए उस डायमंड की रखवाली करने के लिए। वैसे छोड़ो यार भाई साहब, मुझे रखवाली तो करनी होगी, वो डायमंड तो बड़ा महंगा है यार। अगर वो डायमंड चोरी हो गया तो यार फ्रेंकली भैया बड़े डांटेंगे मुझे। बट यार एक सेकंड यार गाइस, तुम लोग देख रहे हो ये रॉयल्स रॉयल्स तो कितनी ज्यादा मस्त है यार, येलो कलर में। काश यार मेरे पास भी इतनी बढ़िया वाली रॉयल्स रॉयल्स होती, पर यार ये फ्रेंकली भैया महंगी गाड़ी लेने का नाम ही नहीं लेते यार। छोड़ो यार, वैसे भी यार इनकी कार अभी तक खराब पड़ी है, इनका तो ये काम भी रह गया। छोड़ो यार, जब ये वापस आएंगे इनको बोलूंगा कि यार इस रॉयल्स रॉयल्स में मुझे एक बढ़िया वाला राउंड मारे, तब तो यार पहली बार जिंदगी में रॉयल्स रॉयल्स में घूम कर आऊंगा। तुमने कहां पर देखा था उस बुड्ढे को डायमंड ले जाते हुए? बस यहाँ से बस आगे जाकर लेफ्ट मारना है, उसी मोहल्ले में कहीं पर गया था वो, उसके आगे मुझे कहीं दिखा नहीं वो। अरे क्या यार, तुम भी, तुमसे एक ढंग का काम नहीं किया जाता क्या? तुम्हें बस कहा था कि उस बुड्ढे का पीछा करो और यार साले को मार कर उससे वो डायमंड छीन लो, पर यार तुमसे एक काम नहीं होता। अब यार अगर वो बुड्ढा नहीं मिला ना साला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और यार तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। अरे बॉस बॉस, मुझे माफ करो यार, वो बुड्ढा अपनी कार एकदम तेजी से भगा रहा था, मैं क्या ही करूं। अरे क्या, तुम भी छोड़ो यार, अभी अपना मुंह बंद रखो, ढूंढो यही कहीं पर, अगर यहाँ पर छुपा होगा वो तो मिल जाएगा। अरे हाँ बॉस, उसकी कार कुछ येलो कलर की थी, रॉयल्स रॉयल्स। अच्छा ठीक है, ढूंढो उस कार को, आई होप कि मिल जाना चाहिए यही कहीं पे। चलो यार चलते थोड़ा और आगे, और यार मिल जाना चाहिए। एक सेकंड, ये क्या, ये वही कार तो नहीं? अरे हाँ हाँ बॉस, ये तो वही कार है जो कि यार येलो कलर की रॉयल्स रॉयल्स है। पर यार वो डायमंड कहाँ पर है? वो तो अपने टिक्के में रखकर भाग रहा था ना। अरे हाँ बॉस, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे वो देखो वहाँ पर एक बच्चा है, अब यार जाकर देख लेते हैं, क्या पता इस बच्चे को पता हो। पर ये रॉयल्स रॉयल्स इस घर के बाहर क्या कर रही है? अब यार चल के देख ही लेते हैं, मुझे लगता है वो बुड्ढा इस घर के अंदर छुपा होगा, अब तो ये नहीं बचने वाला हमारे हाथों से। अरे भैया आप कौन हो यार, और हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? आपके पास तो कितने सारे गन्स है। बच्चे तुझे पता नहीं कि हम लोग कौन है? नहीं नहीं यार, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। बच्चे हम लोग है लॉस गैंग वाले, अब तो बस बच्चे मेरा एक काम कर। यार कौन सा काम बोलो भैया? तुझे पता है ये रॉयल्स रॉयल्स किसकी है? नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता यार, ये रॉयल्स रॉयल्स किसकी है? क्या तुझे नहीं पता? पर ये घर किसका है वो तो बता दे। ये तो हमारा ही घर है, मेरे फ्रैंकलिन भैया का। अच्छा ये तुम्हारा घर है, तो तुझे नहीं पता तेरे घर के बाहर ये कार कौन लगा कर चला गया? नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता यार हमारे घर के बाहर कौन रॉयल्स रॉयल्स लगा के चला गया, मैं तो वही देख रहा था कि ये कार किसकी है। अच्छा ऐसी बात है, अरे बॉयस इस बच्चे को घर में लेकर आओ यार, मुझे लगता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है हमसे। क्या आप हमारे घर में क्यों जा रहे हो? अरे वही बच्चे दिमाग मत खराब कर, फटाक से तेरे घर के अंदर चला हमारे साथ, नहीं तो साले यही पर गोली मार देंगे तुझे। अरे वही बच्चे हमारे बॉस का कहा हुआ सुन ले, नहीं तो साला सीधा सेरे सर में गोलियां पड़ेंगी। अरे हाँ भैया चलो मैं आ ही रहा हूँ यार, पता नहीं यार हम लोग कहाँ फंस गए। अरे यार इस घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, रुको देखता हूँ वो बुड्ढा यहाँ पर है या नहीं। मुझे लगता है यही कहीं पे छुपा होगा, ये बालकनी में है क्या वो बुड्ढा? नहीं यार यहाँ पर भी नहीं है। अरे बॉस यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अरे मैं तो उस बुड्ढे को ढूंढ रहा हूँ। अरे अंकल हमारे घर में कोई नहीं है यार, मेरे फ्रेंकली भैया तो थोड़ी देर पहले बाहर चले गए थे। क्या ये फ्रेंकली भैया कौन है वो तो बता मुझे पहले। भैया वो तो मेरे बड़े भैया है। अच्छा तेरा बड़ा भाई है वो, वैसे कहाँ पर गया है वो? वो तो यार मुझे भी नहीं पता। अच्छा ऐसी बात है, रुको यार हम लोग को इस घर में छान मारने दो, वैसे तो यार यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करते हैं, इसके बड़े भैया का वेट करते हैं, मुझे तो लगता है साला वही उस बुड्ढे को लेकर चला गया क्या, इस घर के अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यार भैया आप एक काम करो, अभी के लिए आप चले जाओ यहाँ से, बाद में आ जाना। अच्छा यहाँ से हम लोग कहीं नहीं जाने वाले जब तक तेरा बड़ा भैया नहीं आता, साला उसको तो आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कैसे तुम्हारे घर के अंदर ये रॉयल्स रॉयल्स आ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इंसान यहाँ पर कार लगाकर भाग गया। और यार वो डायमंड कहाँ पर है, तुझे कोई डायमंड के बारे में पता है? डायमंड नहीं नहीं यार मुझे नहीं पता डायमंड के बारे में। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है तेरे बड़े भैया का आने का इंतजार कर लेता है। अगर यहाँ से तूने कुछ ज्यादा होशियारी दिखाई साला सीधा गोली मार देंगे तेरे सर में तेरे भैया आने से पहले। नहीं यार ऐसे मत करो यार, मुझे मत मारो। हाँ तो ऐसे ही शांत बैठने का, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का हमारा। थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस। यार मैंने सारे के सारे भाई बिलिंग विलिंग करा दी भाई हॉस्पिटल में, भाई सारे के सारे पैसे भाई मुझे देने पड़े। चलो भाई मुझे ऐसा लगता है भाई जब यार वो उठ जाएंगे तब भाई वो पैसे मुझे लौटा देंगे। यार कोई बात नहीं गाइस, ये देखो यार भाई साहब मैंने उन अंकल को भाई डॉक्टर के हवाले भाई सौंप दिया है, बस भाई अभी वही भाई इनको ठीक कर देंगे। चलो भाई अभी देखते गाइस, यार ये देखो वो इनको ठीक करने की थोड़ी बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब यार आई थिंक लाइक कुछ सीपीआर दे रहे हैं उनको। छोड़ो भाई मुझे क्या ही करना है, ये इनको ठीक करे ना ठीक करे भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं यार, मैंने तो अपना भाई सारा का सारा काम भाई कर दिया है। अभी भाई निकलता गाइस मैं फटाफट से भाई अपने घर पे यार वो डायमंड की रखवाली करने के लिए। अगर भाई ये उड़ जाएंगे तो भाई अपने आप से भाई आकर मेरे घर से वो डायमंड ले जाएंगे यार। फिलहाल तो चलो गाइस चलते भाई अपने घर पे, और भाई जाकर यार भाई देखते यार वो लॉस गैंग वाले भाई मेरे घर तक तो नहीं पहुंच गए ना। अगर भाई वो लोग ऐसा कुछ पहुंच गए ना भाई सिंचन तो भाई फिर घर पे अकेला ही है। अब भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी यार। अब यार भाई ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर से गाइस यार मैं एक बहुत बड़ा हिंट भी छोड़ के चला गया हूं। अब यार भाई साहब उनकी कार तो मैं अपने घर के बाहर ही छोड़ के आया था। अब भाई मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है यार, भाई साहब काश मैं उनकी कार अपने साथ लेकर आता, मैं यार लोगों की कार लेके जा रहा हूँ। अबे यार भाई अब क्या करूँ, रुक जाओ भाई सिंचन को कॉल करूँ क्या? अबे नहीं छोड़ो भाई, कहाँ कॉल कर रहा हूँ, सीधा चलता भाई फटाफट से अपने घर पे। और भाई घर पे जाकर ही देख लेता, और भाई घर पे जाकर ही देख लेता भाई सीधा सीधा कि भाई वो डायमंड सेफ तो है ना। तो चलो गाइस चलते फटाफट से अपने घर पे, और घर पे जाकर देखते भाई सारी की सारी सिचुएशन भाई ठीक तो है ना। उससे पहले गाइस तुम लोग एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। अबे यार कार ठुक गई। चलो गाइस ये सब तो होते रहेगा, बट तुम लोग गाइस थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दे यार, और भाई साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अभी तो चलो गाइस चलते बड़ा से भाई अपने घर पे, लेट्स गो। तो गाइस अभी बस मैं अपने घर पे पहुंचने वाला हूँ। अब भाई चल कर देख लेते भाई अपने घर पे क्या सीन चल रहा है। एक सेकंड भाई, यहाँ से तुम लोग देख पा रहे हो भाई मेरे घर के बाहर भाई ये रेड कलर की कार किसकी खड़ी है। अबे ये कौन आ गया भाई अब मेरे घर पे? कहीं भाई मेरा कोई दोस्त तो नहीं आया? अबे यार भाई साहब क्या ही ये ड्रामा चल रहा है। अब भाई मेरे घर के अंदर के बाहर भाई गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। चलो भाई यहाँ पर लगा देता हूँ इस कार को। वैसे भाई साहब किसी लोकल की कार है, वो जो आंटी की ये कार थी भाई वो लेकर चली जाएगी। वैसे तो भाई इस कार को भाई पहली बार कभी देखा नहीं भाई मैंने तो। अबे यार चलो भाई जाकर देख लेते भाई कौन आया मेरे घर पे। चलो भाई लेट्स गो। एक सेकंड, अबे ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई मेरे घर के अंदर। अबे भाई एक सेकंड यार, अरे भाई सिंचन ये सब क्या चल रहा है? मुझे बचा लो। अबे भाई हो क्या रहा है भाई मेरे घर के अंदर? और भाई तुम लोग कौन है भाई चारों लोग? और भाई इतनी बड़ी बड़ी गन लेकर खड़े हो? अरे वाह वाह तुम आ गए फाइनली घर पे। अरे पर भाई तुम हो कौन और भाई मेरे घर के अंदर कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे फ्रैंकलिन हम लोग है लॉस गैंग वाले। लॉस गैंग वाले भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग तो आए उस डायमंड को लेने के लिए और साथ ही साथ उस बुड्ढे को ढूंढने के लिए। क्या डायमंड ढूंढने के लिए? और भाई कौन से बुड्ढे को ढूंढने के लिए? भाई मैं तो जानता नहीं यार। भाई तुम लोग देख रहे हो भाई इनको तो पता चल गया भाई कि वो बुड्ढा इंसान मेरे पास ही था। अबे हाँ भाई मैंने कहा था ना वो रॉयल्स रॉयल्स के वैसे हुआ होगा। अरे साइड में जाके क्या कुछ कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई। भाई तू मुझे एक बात बता भाई, तू कौन से डायमंड और उस बुड्ढे इंसान की बात कर रहा है? हम लोग उसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने तुम्हारे घर के बाहर उस रॉयल्स रॉयल्स को पार्क कर दिया। रॉयल्स रॉयल्स को? अरे भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उस रॉयल्स रॉयल्स को। और वो जो भाई रेड कलर की कार है वो भी पता नहीं भाई किसकी है। वो रेड कलर की कार तो हमारी है और वो रॉयल्स रॉयल्स उस बुड्ढे इंसान की है जो कि यार उस डायमंड को लेकर भाग रहा था। अब यार ज्यादा झूठ मत बोलो, फटाफट से हमें ये बताओ कि वो डायमंड कहाँ पर है। अबे भाई मुझे नहीं पता भाई कोई डायमंड डायमंड। तो तुम अभी कहाँ पर गए थे? अबे मैं तो भाई बस अपने वो तो बैंक में गया था। क्या बैंक में डायमंड रखने तो नहीं गए थे? अबे भाई पागल है क्या? मैं तो बस भाई कुछ पैसे निकालने के लिए गया था बैंक में। अच्छा बताओ कितने पैसे निकालने गए थे? अरे नहीं 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 भाई पैसे निकालने नहीं भाई पैसे डालने के लिए गया था। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम भाई, से काम करो इसके ऊपर गन तान दो। नहीं नहीं भाई मेरी बात तो सुन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तू एक काम कर भाई, चाहिए तो मेरे घर की तलाशी ले ले, तुझे भाई कहीं डायमंड मिला तो बोलना। और भाई वो अंकल तो भाई मैं जानता भी नहीं जिनकी तू बात कर रहा है। अरे यार कितना झूठ बोलोगे तुम, सच बोलो यार, नहीं तो आज तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। भाई हमारे पास कोई डायमंड नहीं है और ना ही भाई कोई बुड्ढा इंसान आया था यार। हम लोग कैसे मान ले यार कि तुम्हारे पास कोई डायमंड डायमंड नहीं है? अबे यार भाई मैंने कहा ना भाई मेरे घर के अंदर भाई पूरी तलाशी मार ले, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा यार। अच्छा ठीक है जैसे तुम बोल रहे हो, अगर तुमने इसमें भी 1% भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ देने वाला। अरे हाँ बिल्कुल भाई जैसे तू कहे भाई, सब अगर मैं झूठ बोलूंगा ना भाई सीधा मुझे गोली मार देना। अच्छा ठीक है, तुम इतने भरोसे से बोल रहे हो तो मैं मान ही लेता हूँ, पर यार मैं तुम्हारे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए यार मेरे गैंग में से एक बंदा तुम्हारे यहीं पर रहेगा तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। क्या मेरे ऊपर नजर रखने के लिए? अबे भाई मैं सच बोल रहा हूँ मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर भी मेरा एक बंदा तुम्हारे पास रहेगा। अरे भैया ले जाओ आपके आदमी को, क्यों रख रहे हो यहाँ पर? वैसे भी यार हम लोग बाहर जाने वाले थे खाना खाने के लिए। नहीं नहीं मेरा एक बंदा यहीं पर रहेगा। अरे भाई मोंटो तो यहीं पर रही हो? अच्छा ठीक है बॉस जैसे आपको। अच्छा ठीक है चलो बॉयस आगे चलते ढूंढने के लिए। मुझे लगता है वो इंसान अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो भागते भागते गया होगा उस डायमंड को लेकर, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा यहाँ से। साले को आज के आज ही दबोच लेंगे। मजा आएगा आज तो। चलो यार चलते फटाफट से और यार जाकर ढूंढते उस बुड्ढे को, साले को आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अबे भाई कल भाई ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है भाई? हमारे घर के अंदर कोई भी गन लेके आ रहा है, हमारे ऊपर तान दे रहा है। अबे छोड़ ना भाई, चुप, तुझे मैं बाद में बताता हूँ। और भाई तू कुछ लेना चाहेगा, चाय कॉफी वीफी? अरे नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए कहा हमारे बॉस ने। अगर मेरी नजर यहाँ से वहाँ भी हो गई तो साला मेरे बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई जैसे तू कहे। भाई तुझे जितनी नजर रखनी रख ले भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे यार गाइस ये क्या दिक्कत हो रही है यार, वो डायमंड तो भाई यहाँ पर अंदर रखा हुआ है और भाई मैं भी उस डायमंड के पास क्यों जा रहा हूँ भाई? अबे रुको भाई थोड़ा बालकनी में चलता हूँ। वैसे भाई यार ये मेरा पीछा कब तक करने वाला है? और भाई ये सब क्या सीन है भाई? एक सेकंड भाई ये किसका कॉल आ रहा है? अबे ये क्या भाई, ये तो उसी डॉक्टर का कॉल आ रहा है जिसके पास भाई मैंने अभी उस बुड्ढे इंसान को दिया था। भाई यार भाई ये डॉक्टर क्या अभी कॉल कर रहा है मुझे? अरे तुम अपने फोन के अंदर क्या कर रहे हो मुझे भी दिखाओ। अबे तुझे क्यों दिखाओ भाई मैं? हाँ तो हमारे बॉस ने कहा है तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ तो भाई तू नजर रखना भाई, फोन वोन में क्या देख रहा है तुझे? अरे पर क्यों, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपने फोन में क्या कर रहे हो। तुम अपने फोन के अंदर से किसी को खबर तो नहीं दे रहे? अबे जा भाई मैं किसी को खबर वबर नहीं दे रहा यार। अबे यार भाई ये तो दिमाग खराब कर रहा है भाई, ये तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। तुम लोग देख रहे हो ऊपर से भाई वो डॉक्टर क्यों मुझे कॉल कर रहा भाई, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार। कहीं भाई वो बुढ़ा इंसान चला तो नहीं गया ऊपर? अबे यार क्या दिक्कत है ये? अबे यार भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं यहां से? भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे। अरे भाई मैं अपनी टीवी देखने जा रहा हूं। अरे मैं भी देखूंगा फिर तुम्हारी टीवी। अबे तुझे क्या दिक्कत है भाई, जाकर भाई नीचे खड़े रहना, मुझे भाई शांति से अपनी जिंदगी जीने भी नहीं दे रहा यार ये तो। अरे नहीं नहीं ऐसे छोड़ नहीं सकता मैं, कहीं तुम भाग गए तो। अबे भाई ये मेरा खुद का घर है, यहाँ से क्यों भागूंगा मैं? नहीं नहीं फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, लगाओ टीवी मैं भी देखूंगा टीवी। अबे
क्या भाई ये दिक्कत कर रहा है, छोड़ो भाई थोड़ा पीछे रुकर टीवी देखता। भाई साहब ये तो पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा यार। अरे ये लो मैंने टीवी तुम्हारी बंद कर दी। अबे पर क्यों भाई क्यों कर दी तूने बंद? अरे इतना कुछ खास नहीं तुम्हारी टीवी में, चलो एक काम करते नीचे टहलते हैं। अबे नीचे क्यों टहलना भाई, पागल है क्या तू? भाई साहब मेरा तो टीवी देखने का मन कर रहा है, तू तो वो भी नहीं देखने दे रहा मुझे। अरे तो मैं क्या करूं भाई साहब, मुझे बोर हो रहा है यहाँ पर, और यार यहाँ पर तो एसी भी नहीं चालू तुम्हारे घर का। अबे यार गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई, ये तो दिमाग खराब कर रहा है यार। भाई साहब मुझे इससे पीछा छुड़ाना है भाई, कैसे छुड़ाओ? पर भाई यार दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फ्रेंकली भैया इनको भगाओ यार घर से, हम लोग तो शांति से हमारे घर के अंदर रह भी नहीं पा रहे। अबे बिल्कुल भाई सिंचा तूने सही कहा यार, ऐसा क्या करूँ भाई इसको भगाने के लिए। अबे रुको भाई एक काम करता हूँ, इसे कुछ झूठ मूठ बोल के भाई भगा दूँ क्या? अबे हाँ भाई यही करना पड़ेगा। चलो भाई एक काम करता, पहले तो भाई इसे एक झूठ बोलता हूँ कि भाई उसके बॉस ने उसको बुलाया भाई अगले वाले मोहल्ले में, उनको बुढ़ा इंसान मिल गया। हाँ भाई पहले उसको आने तो दो। अरे क्या बताने वाले थे तुम मुझे? अरे भाई ये तो सुन रहा है। अरे क्या मैंने नहीं सुना, बताओ बताओ क्या बताने वाले थे तुम मुझे? वो तो यार भाई अभी मुझे तेरे बॉस का कॉल आया था, वो बोल रहे थे भाई साहब उनको वो बुढ़ा इंसान मिल गया और भाई साथ ही साथ उनको डायमंड भी मिल गया। क्या सच्ची में? अरे बिल्कुल भाई, ये जो नीचे वाला रास्ता है ना वहीं पर उनको वो बुढ़ा इंसान मिला है और भाई साथ ही साथ उनको डायमंड भी मिला है। अरे तुम सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई साहब, सच्ची में मिला उनको वो बुढ़ा इंसान और वो डायमंड भी। अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी जाता हूँ। चलो चलो चलता फटाफट से भाई साहब, अब तो मजा आ गया भाई साहब। उस डायमंड को बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाने वाले हैं, और डायमंड तो साला पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपए का है, इतना महंगा डायमंड लॉस सैंटोस के अंदर। बस अभी लॉस गैंग के पास है, लॉस गैंग के पास। वो यार फ्रेंकी भी आपने तो क्या दिमाग लगाया उसको भगाने के लिए? हाँ भाई सिंचा दिमाग तो लगा दिया, बट भाई सिंचा जब भी आपने बॉस के पास जाकर भाई पूछेगा कि आपने कॉल किया था कि नहीं, तब भाई दिक्कत हो सकती है यार। पहले तो रुको भाई, वो डॉक्टर ने क्यों कॉल किया था मुझे? रुको भाई उनको वापस कॉल करके देखता हूँ। ये लगाया कॉल। अरे तुम फ्रैंकलिन क्लाइंटन बोल रहे हो? अरे बिल्कुल सर मैं फ्रैंकलिन क्लाइंटन बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप डॉक्टर हो, बोलो बोलो क्या बताना चाहते हो आप मुझे? अरे तुम्हें पता है वो बुढ़ा इंसान चल बसा है यहाँ से। अबे क्या बात कर रहे हो, भाग गया वहाँ से? अरे नहीं नहीं मतलब वो मर गया। अच्छा यही हुआ क्या, मुझे लगा ही था यार। पर यार उन्होंने हमें एक चीज कही है, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें बताने के लिए। कौन सी चीज डॉक्टर जी बताओ तो सही? उन्होंने कहा कि यार उन्होंने तुम्हारे पास एक कीमती चीज दे रखी है, उसको यार वो एक लोकेशन पे जाकर दे देना है, उसके बाद में यार तुम्हें पूरे के पूरे 1000 करोड़ मिलने वाले। क्या बात करो 1000 करोड़? अरे बिल्कुल यार, तुम्हें यार उस डायमंड के बदले 1000 करोड़ मिलने वाले। फिर भाई उस पैसों का क्या करना है मुझे? उन्होंने कहा कि उस पैसों को तुम खुद रख सकते हो, पर लॉस गैंग के हाथों में मत देना उन पैसों को। अच्छा ऐसी बात है, पर भाई कौन से लोकेशन के ऊपर बता तो सही मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे फोन के ऊपर वो लोकेशन भेज रहा हूँ। फटाफट से जा वहाँ पर और यार बेच दो उस डायमंड को। अच्छा ऐसी बात है, रुको सर अभी जाता हूँ। चलो गाइस अभी चलते भाई उस लोकेशन के ऊपर इस डायमंड को लेकर। पहले तो भाई उस डायमंड को लेने दो यार, पता नहीं भाई साहब अगर हम लोग यहाँ से फटाफट से नहीं निकले ना भाई, वो लॉस गैंग वाले वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तब तो उनको पता भी चल गया होगा कि भाई साहब मैंने उनसे झूठ कहा है। फिलहाल तो चलो भाई फटाफट से उस डायमंड को निकालता हूँ यहाँ से, और भाई ले चलते यार उस लोकेशन के ऊपर जो भाई वो मुझे डॉक्टर भेजने वाला है। गाइस यार मुझे डॉक्टर ने तो लोकेशन भेज दी उस मेंशन की, जहाँ पर भाई मुझे इस डायमंड को जाकर बेचना है। चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के चलते भाई फटाफट से, और भाई जाकर इस डायमंड को बेच देते यार। फ्रेंकी भाई ये सब क्या हो रहा है यार हमारे साथ यार, हमें तो सीधा सीधा 1000 करोड़ मिलने वाले। बिल्कुल भाई सिंचा तूने बिल्कुल सही कहा यार। भाई साहब गाइस तुम लोग देख रहे हो, भाई साहब मैंने बस उन अंकल की मदद क्या कर दी, सीधा 1000 करोड़ मिलने वाले भाई मुझे तो। और भाई उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया जितने भी पैसे मिलने वाले भाई सारे के सारे मैं रख सकता हूँ, और भाई लॉस गैंग के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देना है मुझे। भाई साहब ऐसे तो भाई मैं कितना ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ भाई, मजा आने वाला यार। गाइस आप लोग देख रहे हो भाई सीधा 1000 करोड़ यार भाई, मजा आएगा। बट उससे पहले गाइस आप लोग भी भाई मेरे साथ बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हो तो गाइस यार एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी तो चलते गाइस फटाफट से इस डायमंड को बेचने के लिए, और भाई जाकर सीधा 1000 करोड़ रुपए लेकर आते यार। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे ये डायमंड खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायमंड यार बहुत ज्यादा कीमती है, पूरे दुनिया में बस ये एक ही डायमंड है जो यार ऐसा ग्लो करता है, इसके तो यार 1000 करोड़ तो बनते ही थे। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा, तो चलो सर अभी हम लोग निकलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने तो हमें पूरा का पूरा मालामाल कर दिया। बिल्कुल बच्चे जाओ जाओ मौज करो। हाँ हाँ अंकल थैंक यू सो मच यार। चल भाई सिंचन आ जा बैठ जा भाई सिंचन अपने ट्रक में। अरे हाँ यार रुको बैठे रहो। गाइस यार तुम लोग देख रहे हो भाई साहब हमारी वो रॉयल्स राइस मतलब हमारी नहीं थी, उन अंकल की यार हम लोगों ने यहीं पर छोड़ दी, बाद में आकर ले जाएंगे। बट यार इस बार देखो भाई स्टॉक के अंदर कितने सारे पैसे भाई, लिटरली गाइस तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई साहब, ये पूरे पूरे 1000 करोड़ से भाई, और भाई ये तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकलेंगे। चलो भाई थोड़ा साइड से इसको बाहर निकालते हैं, और गाइस ले चलते हैं इन सारे के सारे पैसों को एक बड़े से मेंशन खरीदने के लिए यार। तो गाइस यार अभी तो एक मेंशन भाई आ जाएगा कुछ 100-200 करोड़ में, फिर भी गाइस यार हमारे पास 700-800 करोड़ तो बच ही जाएंगे, उन पैसों से भाई बढ़िया बढ़िया वाली गाड़ियां खरीदेंगे यार। भाई साहब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस यार मैं और सिंचन भाई अब बहुत ज्यादा अमीर बन गए भाई, मजा आ गया। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, मिलते सीधा एक बहुत बड़ा मेंशन खरीद के। तो फाइनली गाइस यार पूरे के पूरे 2 दिन बीत चुके, और भाई ये देखो यार सिंचन और मैंने मिलकर भाई कितना बड़ा मेंशन खरीद लिया यार। ये है गाइस पूरे के पूरे 300 करोड़ का मेंशन, और यार साथ ही साथ भाई पूरे के पूरे 50 करोड़ के हम लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियां ले ली यार। और यार ये देखो ये कार बस भाई 50 करोड़ की, फरारी ये भाई पूरी की पूरी गोल्ड की है यार। अरे हाँ यार फेंकी भाई ये कार बहुत ज्यादा महंगी है, एक काम करते बाद में इस कार में घूमने चलेंगे। बिल्कुल भाई सिंचन इसके अंदर घूमने चलेंगे, बट उससे पहले गाइस तुम लोगों को मैं इस घर का टूर दिखाता हूँ। तो गाइस यार ये देखो यार ये रहा
हमारा पूरा पूरा 300 करोड़ का मेंशन। इस मेंशन के अंदर गाइजर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर भाई कितना बड़ा एरिया, यहाँ पर भाई हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और यार ये रहा हमारा टेनिस बॉल ग्राउंड, यहाँ पर गाइजर हम लोग टेनिस बॉल खेल सकते हैं। बट यार गाइज यहाँ पर हम लोगों ने हमारे बच्चे कुछ पैसे रख दिए, ये होंगे कुछ 600 करोड़। और यार साथ ही साथ भाई यहाँ पर देखो हमें लॉस सैंटोस के बहुत बड़े बिलियनर से भाई बहुत सारे गोल्ड के ब्रिक्स मिले यार, जो कि गाइजर हम लोग अभी लॉस सैंटोस के बिलियनर जो बन गए यार। और एक बार तुम लोग इस मेंशन का लुक देखो भाई, कितना बड़ा मेंशन है भाई इस इलाके के अंदर। ये भाई ऐसा मेंशन भाई कभी कभार ही मिलता है देखने के लिए। बट यार गाइज अभी ये मेंशन हमारे पास यार भाई मजा आ गया। बट इससे पहले गाइजर अभी मैं और सिज्जा जा रहे हमारे पुराने वाले घर पे चॉप को लाने के लिए यार, उसको तो हम लोग लाना ही भूल गए थे। वो तो भाई इस मेंशन को देखकर भाई बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा यार, वो तो होने ही वाला है। बट यार गाइज आपको देखना आगे कि भाई साहब हम लोग हमारे बच्चे कुछ पैसों का क्या करते हैं, तो गाइजर आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो गाइजर आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए तो गाइजर एक काम करना पड़ा इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइज आज की वीडियो यही पर एंड कर देते हैं और भाई जाते बड़ा चॉप को लाने के लिए। लेट्स गो।